ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। क्या राजा महाराजा, क्या जन सामान्य, क्या साधु संत, शायद ही कोई वर्ग ऐसा हो जिन्हें धन की आवश्यकता ना पड़ती हो। वैसे जीवन में दुर्भाग्य कई प्रकार के, जिनकी वजह से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी दृष्टि में और आप में से अधिकांश लोग मेरी बात से सहमत होंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आर्थिक समस्याओं का होना, दरिद्रता का होना। हर व्यक्ति चाहता है यथोचित समृद्धि, सहजता से सरलता से जीवन यापन हो, इतना अर्थ प्राप्त होता रहे, किसी प्रकार की आर्थिक समस्या, पैसे कौड़ी की तंगी का अनुभव ना करना पड़े। लेकिन चाहने से क्या होता है, कुछ तो कारण बनते हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार। ज्योतिषी दृष्टि से यदि देखें तो दारिद्र्य योग कई प्रकार के ज्योतिष के कुंडली में वर्णित हैं। सामान्य रूप से देखें, मिथुन लग्न की कुंडली हो और दूसरे भावों में राहु चंद्र की युति हो तो आर्थिक समस्या, कभी भी आर्थिक समृद्धि जातक को उसको प्राप्त नहीं होती। कर्क लग्न की कुंडली हो और दूसरे भाव में सूर्य राहु की युति भी ऐसा ही फल परिणाम देती है। जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी छठे बैठा हो या बारहवें बैठा हो, लाभ स्थान का स्वामी जन्म कुंडली में यदि बारहवें हो या छठे हो तो आर्थिक समस्याएं रहती है। कई प्रकार के योग हैं और कई इन योगों के बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन परिणाम देखें तो परिणाम मूल्य जीवन में जो कुछ देख रहे हैं उसको तो प्रत्यक्ष भोग रहे हैं, उसको कैसे नकारा जा सकता है। और परिणाम क्या है, आर्थिक समस्याएं देखी जा रही हैं। फिर जन्म कुंडली में योग कुछ भी बन रहा हो उससे बचने का उपाय क्या है, क्या कोई सरल सा माध्यम है जिससे ईश्वरी कृपा प्राप्त हो सके और इस दारिद्र्य योग से मुक्ति मिल सके, वो उपाय क्या हो सकते हैं, चर्चा करते हैं इसी विषय पर आज के वीडियो में। ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान जैसे विषयों को सहज सरल ढंग से इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से मैं सिखाने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्वयं जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, लाइक कीजिए। चर्चा करते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं बात में इस वीडियो विषय के ऊपर। बिना धन की प्राप्ति के, बिना लक्ष्मी के आए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के, दरिद्रता का नाश नहीं हो सकता। जो आर्थिक समस्याएं उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती, सहज सरल सी बात है। अब पैसा आएगा कहां से, आएगा कैसे, तो ये मूल रूप से जो प्रधान है, जड़ जिसको बोलते हैं, वो समझ लेना चाहिए हमें। वो ये है कि पैसा चाहने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हम सीधी धन की आकांक्षा करेंगे वो प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो पैसा प्राप्त होता है हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलने पर। एक तरह से यूं कहें कि पैसा परिणाम है, फल है किसका, कार्यों की सफलता का। पैसा बाय प्रोडक्ट है हमारी सक्सेस का, हमारी सफलता का। तो जीवन में सफलता मिले, सफलता किस में मिले, जो हम कार्य करें। जो कुछ मैं आपसे निवेदन करूंगा, दरअसल ये प्रयोग मैं जीवन में, मैंने स्वयं ने परिस्थितियां बहुत विपरीत देखी। 25 नए पैसे की, जिसको चवन्नी बोलते हैं, उसको तो आज तो भारत सरकार ने ऑफिशियली बंद कर दिया उसको, लेकिन जब चलती थी तो उसका क्या मोल था उसका भी एहसास है मुझे। और फिर कृपा प्राप्त हुई, जो परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ, मैंने जो कुछ किया, जो कुछ मुझे मार्गदर्शन मिला, कुछ विद्वानों का, गुरुजनों का, मैंने उन्हें जीवन में प्रयोग किया और मेरी समस्याओं का समाधान हुआ, तो उससे किसी की जेब पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी की जेब से मैंने लिया नहीं, ईश्वरी
कृपा उससे ही प्राप्त हुआ। आप भी यदि शेयर करते हैं, आपके पास भी कोई ऐसा प्रयोग, कोई भी माध्यम, या इससे मिले या कोई भी दूसरा, वो किसी को शेयर करते हैं, आपके पास भी कुछ घटेगा नहीं, मिलेगा उसको उसके प्रयास से। तो करना चाहिए। वो क्या है? लक्ष्मी की कृपा चाहिए हमको, तो उसके लिए उनके पति की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें लक्ष्मी की उपासना, लक्ष्मी की कृपा के लिए भगवान विष्णु के नारायण का स्मरण, उनका पूजन, उनके किसी भी मंत्र का जाप, स्तोत्र का पाठ, कुछ भी करना चाहिए। उसके बाद फिर लक्ष्मी की कृपा। साधना के क्षेत्र में कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु स्मरण, उस गणपति का भी दूसरे नंबर पर। बहुत से लोग कहते हैं शुभ कार्य में सब में गणपति स्मरण, सभी शुभ कार्यों में गणपति स्मरण पहले होता है, वो बात सही है, लेकिन साधना के क्षेत्र में भगवान गणेश से पहले भी गुरु स्मरण होता है। तो आसन पर बैठ के गुरु को नमन कर, गुरुदेव को नमन करने के बाद फिर गणपति का स्मरण करना चाहिए। हमने देखा, हम परसों से पीढ़ियों से देखते हैं एक बात, दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें भगवती लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजन पहले और सरस्वती का, विष्णु को नमन होता है, लेकिन मंत्र जाप आदि वो भी किए जाते हैं, कई पाठ करते हैं वो, लेकिन आवश्यक क्या है? हम चित्र देखते हैं, उस चित्र में पाठ है, जो पाना आता है उसमें क्या है, गणेश है, लक्ष्मी है, सरस्वती, बीच में लक्ष्मी जी है एक तरफ, गणपति एक बार सरस्वती। कारण क्या है उसका? क्यों है गणेश की इतनी महत्ता? उसके पीछे सिर्फ कारण यही है, जो हमारी आकांक्षा है, जो हम चाहते हैं वो हमें स्थूल रूप में प्राप्त हो सके, ये काम गणपति करते हैं। और दूसरा काम, किसी भी माध्यम से हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, पैसे की आवक हो, लेकिन यदि गणपति का स्मरण नहीं करेंगे तो पैसा टिकता नहीं। स्थायित्व तो यदि देते हैं तो गणेश की उपासना, इसलिए गणपति आवश्यक। दूसरा, तीसरी भगवती सरस्वती, बुद्धि विवेक ज्ञान, हम विवेकपूर्ण, हमारी मानसिक क्षमता, उससे हम परिश्रम करेंगे, उसी के माध्यम से, उसी की सफलता पर तो धन प्राप्त होगा। अविवेकी व्यक्ति को धन कहां से मिल सकता है? इसलिए भगवती सरस्वती की कृपा भी आवश्यक है। तो एक सहज सा सरल सा प्रयोग मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान विष्णु की कृपा के लिए एकादशी बहुत परम सिद्ध एक ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान नारायण परम प्रसन्न अवस्था में होते हैं। हमारे यहां परंपराओं में कुछ त्योहारों की महिमा गा करके उन्हें इस तरह जोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ वर्षों में इस तरह की चली शिक्षा पद्धति गौण हो गया, उसके महत्व को नष्ट कर दिया गया। आज की पीढ़ी प्रश्न करने लगती है बिना सोचे समझे कि क्या होता है इससे, क्यों, और नष्ट टाल दिया जाता है। तो एकादशी का व्रत करने का मतलब यह सीधा सीधा सा, हम और कुछ करें ना करें, केवल एकादशी का व्रत यदि कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती, उन्हीं के निमित्त वो उनको समर्पित हो जाता है स्वतः अपने आप। तो एकादशी का बड़ा महत्व है। तो एक प्रयोग जो हम किसी भी मास की किसी भी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं, इसको माह में दो एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। किसी भी मास की किसी भी एकादशी से इस प्रयोग को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले किसी भी देव मंदिर में जिसमें आपकी श्रद्धा हो, सर्वोत्तम रहता है गणपति के मंदिर में जाएं और वहां भगवान गणेश से प्रार्थना करके आए कि इस तरह से मैं मेरी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए, यथोचित धन प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी आकांक्षा हो वो प्रार्थनाओं से करें, इसके लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं भगवान विष्णु की, आपकी, विष्णु जी की और मां लक्ष्मी की, तो कृपा करके मुझे सफलता प्रदान करें। इस प्रकार की प्रार्थना किसी भी गणेश मंदिर में करके आए और फिर एकादशी के दिन आसन पे बैठ करके, एकादशी का व्रत तो करना ही है, उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना है, फल फ्रूट फलाहार
वो किया जा सकता है, वो ले सकते हैं। भूख लगती है, लगने भूखा रहना आवश्यक नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके वो भी कम से कम लें, फल फ्रूट वो भी सायंकाल एक नियम रखें। हमें अन्न तो एकादशी को ग्रहण कर त्याग करना ही है। इस प्रयोग में आसन पर बैठ के गुरु स्मरण गणपति स्मरण करने के बाद में एक पाठ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का करें। एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करने के बाद जो आसानी से गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक जैसे हनुमान चालीसा आती है, गीता विष्णु सहस्त्र नाम सहजता से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा धार्मिक पुस्तकों की किताब पर, वो दुकान के ऊपर, वो लेकर के एक पाठ करें विष्णु सहस्त्र नाम का। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करने के बाद कनक धारा स्त्रोत्र का एक पाठ, तीन पाठ कर सकते हैं तो सर्वोत्तम। यदि हमको जैसी हमारी कामना आकांक्षा है उनके उसी के अनुरूप निर्धारित करें, और जो पहली एकादशी को नियम लिया है जिस तरह किया है फिर उसी तरह आगे भी करना है, तो तीन पाठ कनक धारा स्त्रोत्र के, और उसके बाद फिर ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, ये 10 बार 11 बार ये हम नियम रखें। जैसा पूजन का क्रम होता है आसन पर बैठ करके गुरु स्मरण, गुरु स्मरण के बाद गणपति स्मरण, गणपति स्मरण के बाद एक पाठ स्वर्ग श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, उसके बाद कनक धारा स्त्रोत्र का एक या तीन पाठ, ये करने के बाद फिर ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। कनक धारा स्त्रोत्र वो भी जो गीता प्रेस की जो पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें कनक धारा स्त्रोत्र की छोटी पुस्तकें भी आती हैं, लेकिन कई में फर्क है, दो श्लोक का अंतर है। पूरा चाहते हैं तो आचार्य देवदत्त जी शास्त्री का एक सूक्त संग्रह है, वो बनारस का श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार का प्रकाशित आचार्य देव, ये पंडित शिवदत्त जी शास्त्री इनका इस पुस्तक, इसमें सूक्त संग्रह में वो पूरा है कनक धारा स्त्रोत्र, तो वो लेने, और ना मिलता हो उससे ये उपलब्ध ना हो सके तो दैनिक कर्म पूजा प्रकाश में जो है दो श्लोक में कोई बात नहीं, वही करें, लेकिन एक पाठ कम से कम, और तीन पाठ कर सकते तो उत्तम रहे। और उसके बाद में फिर 10 बार 11 बार 21 बार जैसा हम कर सके ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, इसको यह करके इसे भगवान नारायण को समर्पित। एकादशी से इस प्रयोग को प्रारंभ करें, जिस मास की जिस एकादशी से, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जिस भी एकादशी से हमने ये प्रयोग प्रारंभ किया है, एक वर्ष भर का प्रयोग है। जैसी समस्या है हमको उसके अनुरूप, आजकल कई वीडियोज में थंबनेल देख करके जिस तरह के छोटे छोटे टोटकेबाजी एक रात में 24 घंटे में जिस तरह के समस्याओं के समाधान की, और 7 पीढ़ी 3 पीढ़ी और छप्पर फटने जैसे पता नहीं किस किस मात्रा में धन की प्राप्ति के जो मिलते हैं प्रयोग, मेरी शुभकामनाएं करने वालों को, ईश्वर करे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लक्ष्य हमारा बड़ा बड़ा कुछ चाहिए तो मेरा अपना निजी अनुभव तो यह है कि इन टोटकों से कुछ होता नहीं। इन विषयों से जुड़ा हूं मैं पिछले करीब 50 साल से, ये जितने विषय इनसे जुड़ा हूं, समस्याओं से ग्रसित मैं भी रहा। हर व्यक्ति चाहता है सहजता से सरलता, तो कौन चाहता है 6 महीने साल भर लंबा कुछ किसी भी प्रकार का संकल्प करना, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है तुरंत कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। मैंने भी कोशिश की लेकिन वास्तविकता परिणाम, मैं तो अपनी बता रहा हूं, कोई परिणाम नहीं मिलता इन टोटकों का। लेकिन जैसे ही शास्त्रीय प्रयोगों को मैंने, जैसे जिसका मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान नारायण की उपासना सबसे पहले गणपति का, किसी भी प्रकार से ओम गणपति नमः या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने के बाद भगवान नारायण की माला सर्वश्रेष्ठ उपाय है, रहता है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ और फिर कनक धारा स्त्रोत्र के पाठ, ये करके और फिर उनको समर्पित कर दिया जाए।
एक निश्चित समय के बाद 3 मास के बाद, 3 मास का अर्थ होगा 3 मास में 6 एकादशी आएंगी, 1 महीने में 2 और 3 महीने में 6 एकादशी। यह 3 महीने के बाद समस्याओं से समाधान हम प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार प्रारंभ हो जाएगा। 6 महीने का समय व्यतीत होते होते बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा और जैसे 1 वर्ष वही एकादशी आएगी, भगवान विष्णु की कृपा रही अब तक जिनको मैंने बताया जैसा हुआ, आश्चर्यजनक परिणाम परिवर्तित उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में आ जाता है। आर्थिक समस्याओं से ग्रसित होते व्यक्ति उनके समस्याओं का समाधान हो जाता है और एक निश्चिंता, जैसे चाहते वैसे समृद्धि की स्थिति बन जाती है भगवान विष्णु की कृपा से। आप भी करके देखें, मैंने अपने जीवन में कितने ही व्यक्तियों को यह प्रयोग बताया, उन्होंने किया और उनके जीवन में जो परिणाम हुए, जो उन्हें परिणाम प्राप्त हुए, फिर वो छोड़ ही नहीं पाए। यदि हम वर्ष भर हम इसको रूटीन रख सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि प्रतिदिन नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो एकादशी, एकादशी का ये नियम तो हमें रखना ही है। समय एक निर्धारित कर लीजिए, सवेरे का, शाम का, रात्रि का, जैसा आप चाहें। जरूरी नहीं है कि जो समय पहली एकादशी को, कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो 2-5 महीने के बाद कभी भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें एक रहे। ऐसा नहीं एक एकादशी को हम सवेरे बैठ गए, दूसरे एकादशी को शाम को, फिर तीसरे एकादशी को रात्रि को, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें समय एक ही रहे। यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, बदलना पड़ सकता है हमको, तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रति हर एकादशी पे ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करके देखिए, यदि समस्याएं के हैं आप आर्थिक दृष्टि से, और आर्थिक दृष्टि से कोई समस्या नहीं, समृद्धि यथोचित है, और उसके बाद भी यदि ये करते हैं तो जीवन में जो परिवर्तन होगा, जो समृद्धि, उसमें जो वृद्धि होगी वह अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति चाहता जो है उससे भी अधिक मिले। आपकी किसी भी प्रकार की आकांक्षा हो, यदि समस्याएं उनके समाधान चाहते हो, पंडित जी ने जन्म कुंडली में दारिद्र योग बताया हो, किसी भी ग्रह स्थिति, किसी भी कारण से दरिद्र योग बन रहा हो, उस पे उसका विश्लेषण की, उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इस प्रयोग को कीजिए। यह एक तरह की सेवा है, सेवा अर्थात नौकरी, किसकी? भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की। सामान्य रूप से हम किसी क्या नौकरी कर लें, महीने भर बाद वो भी हमें तनख्वाह देता, वो भी व्यक्ति सामान्य है, भगवान वो भी नहीं, हम भी नहीं, लेकिन वो भी तनख्वाह देता, वेतन तो वो भी हमें 1 तारीख को देंगे ही, क्यों? कि हमने सेवा की उनकी, जो बात, जो कमिटमेंट हो गया उस तरह की सेवा हमने उनको दी, बदले में हमें वेतन मिलता ही मिलता है। भगवान विष्णु की, मातेश्वरी की, उनकी हम सेवा करें, नौकरी करें और 1 वर्ष भर लग के करें और वो वेतन ना दें, वो जो चाहते हैं जो फल हमको वो ना दें, ऐसा नहीं हो सकता, करके तो देखें। हाँ, ये बात अवश्य, वर्ष भर वो तो, साल तो बीत, समय तो व्यतीत हो ही रहा है। कई व्यक्तियों को वर्षों बीत चुके आर्थिक समस्याओं को झेलते हुए, समय तो ये भी बीत रहा है, 1 वर्ष बीत ही जाएगा, लेकिन यदि हम प्रारंभ करते हैं एकादशी से, तो 1 वर्ष जब बीतेगा और जब यही एकादशी अगले वर्ष आएगी, जिस भी एकादशी से शुरू करते हैं उसके अगले 1 वर्ष जो एकादशी आएगी, तब तक हमारी वो स्थिति हो चुकी होगी आर्थिक दृष्टि संपन्नता की, एक संतोषजनक, जो अभी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर जब हमने ये किया, भगवान ने हमारी सुनी, फिर क्या करें, कुछ हमारा भी बनता है, फिर हमें ये करना है। जिस एकादशी से प्रारंभ करते हैं, अगले वर्ष जब यही एकादशी आए, उस एकादशी को 11 ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दें, यथोचित उनको, जैसी कृपा विष्णु की, लक्ष्मी की हुई है,
उसके अनुरूप आप जो कुछ वस्त्र आदि दक्षिणा आदि जो कुछ कर सकते हो प्रेम से करें। भोजन आदि उनको एकादशी का दिन है, भोजन तो वो करेंगे, जो कर सकते हैं वो करें। फलाहार की व्यवस्था, हमें 11 ब्राह्मणों को निमंत्रण देना है श्रद्धा से, और उनको एक सामान्य फलाहार के जो व्यवस्था बनती है वो उनको करवाना है, और जितना दान पुण्य वस्त्र आदि हम दे सकते हैं और उन्हें संतुष्टि करना है, वह स्वरूप मान के चलें। एक तरह से हमने भगवान साक्षात उनको उनका आह्वान किया, उनको निमंत्रण दिया है, और उनके आशीर्वाद उनको कृपा उनकी कृपा हुई है। हम कहाँ भगवान नारायण का ही स्वरूप माने, उन्हीं को मान करके हम सम्मान करें उनका, और जितना कर सकते हैं हम अर्पित करके देखें, और इस नियम को इसको यदि हम जीवन भर के लिए पालते पालन करते हैं इसका जीवन भगवान विष्णु के जीवन भर कृपा बनी रहेगी। यथोचित धन प्राप्ति हमारी आकांक्षा के अनुरूप प्राप्त होते रहेंगे। किसी भी कारण से दरिद्रता का योग बनता हो उससे मुक्ति मिलेगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और आपको उचित अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जुड़ें। भगवान विष्णु की, भगवान मातेश्वरी लक्ष्मी की आप सब पर कृपा हो, आप सबकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो, और सबको आप सबको यथोचित समृद्धि प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।